को जन्म देने वाले कौन है? विष्णु कोई व्यक्तित्व तो होता है अकेला? व्यक्ति को जन्म दिया जाता है या अव्यक्त को जन्म दिया जाता है? पहले अव्यक्त बाद में व्यक्त। हाँ, तो अव्यक्त अगर है तो अव्यक्त को जन्म देने वाला अव्यक्त अव्यक्त है ज्योति बिंदु। व्यक्त में भी पिता चाहिए। तो ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का बाप कौन हुआ? कैसे? वो तो अव्यक्त है ना। ब्रह्मा को किसने बताया कि तुम ब्रह्मा हो? पहचान किसने दी? और शंकर को, शंकर हो, ये पहचान कहाँ से मिली? अच्छा, ब्रह्मा को पहचान कहाँ से मिली? ब्रह्मा को तो प्रजापिता मिली। यज्ञ के आदि में प्रजापिता कब हुआ? प्रजापिता भी कब होता है? ब्रह्मा मुख से सुनते हैं तब। हाँ, ब्रह्मा मुख से सुना, ब्राह्मण बना। हाँ। तो ब्रह्मा मुख से सुनाने वाला कौन? ब्रह्मा मुख से सुनाने वाला शिव। लेकिन वो जानता था, जो सुनाने वाला वो जानता था कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है? नहीं। तो वो तो भगवान नहीं हो सकता। तो कौन हुआ आखिरी? शिव। शिव समझाने वाले, वो समझाने वाला साकार स्वरूप कौन, जिसने ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा की बुद्धि में भी डाल दिया कि तुम ब्रह्मा हो? राम वाली आत्मा की बुद्धि में भी बैठ गया कि तुम शंकर का पार्टधारी हो? जैसे कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा का पाठधारी है, वैसे राम वाली आत्मा शंकर का पाठधारी है। फिर वैष्णवी के रूप में जो मूल है, बैलेंस का पार्ट बजाने वाली है आत्मा, वो कौन है? जो मूल रूप में बैलेंस का पार्ट बजाने वाली है लक्ष्मी, उसको कैसे पता चला? हाँ, ज्ञान भी तो किसी के द्वारा बैठा ना, यज्ञ के आदि में तो ये पहचान नहीं होती। परंतु पहचान होती कब है? परिपूर्ण। हम बच्चों को पता है कि ब्रह्मा का पार्टधारी कौन है, विष्णु का पार्टधारी कौन है, शंकर का पार्टधारी कौन है, लेकिन पता किसने कराया? लेकिन शंकर को किसने बताया? शंकर को बताने के लिए कोई आधार हुआ या नहीं हुआ कि बिना ज्ञान में आए वो शंकर बन गया? कोई आधार था या नहीं था? शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, तो शिव नेत्र है ना, वो शिव नेत्र का पता कैसे चला? वो कौन सा, वो ज्ञान कहाँ से आया? किसी ने सुनाया क्या? ब्रह्मा मुख से आया ना, तो वो ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान आया उसी का मनन चिंतन मंथन किया, ज्ञान अमृत बना, अमृत पी करके पहला पहला अमर बना। तो आधार कहाँ से मिला? ब्रह्मा मुख से निकली हुई वेदवाणी से आधार मिल गया, उस आधार के आधार पर बुद्धि में बैठ गया कि मेरा पार्ट ही शंकर का पार्ट है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों का बाप कौन? शिव तो है, लेकिन साकार में भी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो शिव जिसमें प्रवेश करके समझाता है
बताता है रहस्य को वो ही बाप हुआ, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का बाप। और बाबा माना नारायण ही विष्णु का जन्म देने वाला है क्या? नारायण विष्णु को जन्म देने वाला है? नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जो सदैव ज्ञान जल में ही रहने वाला है। तो ज्ञान जल में वाचा से रहने वाला है, संकल्पों से रहने वाला है, या प्रैक्टिकल में भी रहने वाला है? संकल्पों शंकर प्रैक्टिकल में रहने वाला है, ज्ञान जल में प्रैक्टिकल ज्ञान को उठाता है, है? तो फिर नारायण कौन हुआ? धारणा रुद्रमाला के बच्चों को होती है या विजयमाला के बच्चों को धारणा होती है? विजयमाला। तो जिसको प्रैक्टिकल में धारणा हो जाए वो ज्ञानी हुआ या बक 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 बोल 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 करता रहे या मनसा से भी एकाग्र होता रहे? तो ज्ञान जल में रहने वाला हुआ। संकल्प में ज्ञान में रहते है ना? है संकल्प में प्रैक्टिकल में रहते हैं कि विष पीते हैं? संकल्प में बाद में रहते हैं। प्रैक्टिकल में बाद में रहते हैं तो फिर मानेगा कौन दुनिया में? दुनिया प्रैक्टिकल को मानेगी या बोल बोल को मानेगी? प्रैक्टिकल को मानेगी। तो प्रैक्टिकल पहले पहले करता कौन है? कौन करके दिखाता है? क्या गायन है? ब्रह्मा सो विष्णु, ये थोड़े ही कहा कि प्रजापिता सो विष्णु। क्या गायन है? ब्रह्मा सो विष्णु। तो पहला पहला ब्रह्मा कौन हुआ? अगर कहें जगदम्बा, तो माँ का जो पहला पहला गुण है, गुण राज सहन शक्ति, वो जगदम्बा ने धारण की? नहीं। प्रजापिता ने धारण की? नहीं। किसने धारण की? दादा लेखराज ब्रह्मा ने धारण की। इसलिए मुरली में कहा वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्या माताओं की चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता। ओम राधे मम्मा को निमित्त बना के रखाया हुआ है, टाइटलधारी जगदम्बा बना के। वास्तव में जगदम्बा वो भी नहीं है। कौन है जगदम्बा? वही दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल जब साकार शरीर छोड़ देती है, फिर कोई माता में प्रवेश करती है, तब जगदम्बा का पाठ बजा, तब उसका पूजन होता है। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा का तो पूजन होता नहीं, मूर्ति बनती नहीं, मंदिर बनते नहीं। किसके बनते हैं? कब बनते हैं? जब वो अपना स्थूल शरीर त्याग करके कोई माता में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है। तो ब्रह्मा असली हुआ, परंतु वो ब्रह्मा हो चाहे दूसरा ब्रह्मा हो, चाहे तीसरा ब्रह्मा हो, चाहे चौथा ब्रह्मा हो, पांचवा ब्रह्मा हो, प्रैक्टिकल में नो विषय टाल की धारणा कौन करता है? शिव बाप। शिव बाप, शिव बाप तो है ही, वो हमेशा धारण करने वाला है, वो तो एवर प्योर है, वो तो सदैव ही पवित्र है। वैष्णवी देवी बाबा, आज से मुरली में आठ भगवान के सखा बनते हैं, ऐसा बोला? साथी साथी सखा साथी बनते हैं, पर गीता में सिर्फ एक अर्जुन को सखा बोल, गीता में तो सिर्फ। तो ये भी तो बताया मुरली में अर्जुन एक था क्या? ज्ञान का अर्जन करने वाले सिर्फ अर्जुन एक ही था या नंबर वार और भी अर्जुन थे? नंबर बार थे, पर आठ को देखना चाहिए। आठ सखा बनते हैं आधे से अंत तक, तो सिर्फ एक को देखा है। एक का गायन होता है या सबका गायन होता है?
गायन तो एक का ही होगा, एक के आधार पर फिर नंबर वार पता लग जाता है। आठ पास होते हैं, बाकी नहीं पास है, सिर्फ आठ पास होते हैं। आठ साथ ही बनने में पास होते हैं, भगवान के को जो खुदा दोस्त बनाने वाले हैं वो सिर्फ आठ हैं। जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि जब कयामत होती है तो खुदा का तख्त सिर्फ आठ ही उठाते हैं, वो आठ फरिश्ते कहे जाते हैं। तो कुरान गीता से भी सच्चा हो गया ना? नहीं, कोई बात अगर मैं बोल दी, क्या हर धर्म में कुछ न कुछ सच्चाई नहीं होती है? तो कुरान ने अगर एक दो सच्चाई की बातें बोल दी तो उससे कोई गीता से भी ऊंची हो गई। ज्यादा ज्ञान की बातें कुरान में है या गीता में? गीता या बाइबल में? गीता। गीता में सारी दुनिया के लोग मानते हैं कि गीता ज्ञान का ग्रंथ है, और ग्रंथों में तो कथा कहानियां भरी हुई है झूठी सच्ची। बाबा, सूक्ष्म शरीर धारी आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा बिना शरीर के पुरुषार्थ कर सकती है या प्रवेश किसी शरीर में प्रवेश करके वो समझ सकती है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है? पुरुषार्थ जो है वो पुरुष को कहा जाता है, पुरुष पुरुषार्थी होता है, और पुरुष कहा जाता है पुरी में सोने वाले को, आराम करने वाले को। तो ये शरीर रूपी पुरी है, इसमें आराम करने वाला कौन है? आत्मा। तो जिस शरीर रूपी पुरी का जो मालिक है उसी का बनता बिगड़ता है कोई आत्मा की प्रवेश करने से। तो जो प्रवेश करने वाली आत्मा है उसका पाप और पुण्य नहीं बनता। तो याद भी प्रवेश करने से ही होता है ब्रह्मा का, बिना प्रवेश करके याद की भी बात नहीं। अगर याद हुई होती तो फिर उस संगम युग में ही भगवान से प्राप्ति करता है या सतयुग में जाके प्राप्ति करता है? सतयुग। वो ब्रह्मा सतयुग में प्राप्ति करता। अगर याद में ही यहाँ संपन्न हो गया होता, संपन्न आत्मा बन गई होती, तो फिर संगम में डायरेक्ट गॉड फादर से प्राप्ति करता या सतयुग में जाके देवता से प्राप्ति करता? तो वो तो नहीं किया। इसका मतलब याद का भंडारा उनका जितना सन 18 जनवरी 69 तक होना था हो गया। और जब प्रवेश करते हैं दूसरे दूसरे बच्चों में या प्रजापिता में या जगदा में, उस समय ही याद करता है या बिना शरीर से भी याद कर सकती है? उनके याद करने की बात ही नहीं, उनकी तो सिर्फ ये बात है कि वो सच्चाई को समझ लें, बस ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए कि ये सच्चाई है। गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, गीता का भगवान हाँ शिव शंकर भोलेनाथ है, साकार भगवान मैं नहीं हो सकता। साकार भगवान तो वही है जो साकारी स्वर्ग स्थापन करे, राजधानी स्थापन करके जाए, नहीं तो धर्म गुरु है देहधारी, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। देहधारी धर्म गुरुओं में बड़े से बड़ा गुरु हो सकता है, लेकिन हेवनली गॉड फादर नहीं हो सकता। ये बताया है कि मेरे मुख से दो चार वाक्य भी सुना, दो वाक्य भी सुना, वो स्वर्ग में जरूर आएगा। क्यों नहीं आवेगा? क्यों नहीं आवेगा? जरूर आवेगा। वो 10 करोड़ के स्वर्ग का बात है या सिर्फ 4.5 लाख के पहले जन्म का बात है? मेरे मुख से सुनेगा तो सन्मुख वाला हुआ या विमुख हुआ? सन्मुख तो होता है। मेरे मुख से कब कहा जाएगा? हमने तुम्हारे पीछे से सुना दिया, घर के बाहर जाकर के सुना दिया,
आवाज तुम्हारे पास आ गई अखबार के द्वारा टीवी के द्वारा, तो सन्मुख कहेंगे नहीं कहेंगे? वो कौन से स्वर्ग की बात है? असली स्वर्ग की बात जो 2500 साल चलता है उसकी भी बात है और संगम की स्वर्ग की भी बात है। मतलब वो 4.5 लाख में आ जाएंगे? 4.5 लाख में आ जाएंगे, जो 4.5 लाख में आ जाएंगे या 9 लाख में भी आ जाएंगे, किसी में प्रवेश होकर के भी तो डायरेक्ट सुन सकता है सन्मुख, उसे सन्मुख नहीं कहेंगे? अभी भूत प्रेत आत्मा में प्रवेश करती हैं क्लास में, तो वो सन्मुख सुनती है या सन्मुख नहीं कहे? सन्मुख तो सुनती है बाबा, पर निश्चय नहीं होती है उसका मतलब। आज नहीं होता है, कल होगा या नहीं होगा, कि दुनिया में कोई दूसरी हट्टी है? पर वो निश्चय बैठने से पूर्व ही शरीर छोड़ देती है, तो ऐसा नहीं, उनका उद्धार होना ही है क्योंकि सन्मुख सुन लिया है। सुन लिया है हाँ, पूरा निश्चय बैठने से भले अभी नहीं, आज नहीं बैठा तो कल बैठ जाएगा, शरीर छोड़ देती है तो। शरीर छोड़ेंगी ही तब, वो शरीर छोड़ेंगी ही तब जब उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा। ये भूत प्रेत आत्माओं का उद्धार भी किसके द्वारा होगा? तुम बच्चों के द्वारा। हिंदू धर्म के अलावा है? हिंदू धर्म के अलावा दूसरे दूसरे धर्मों में भी साधु सन्यासी होते हैं ना? क्या होते हैं? साधु सन्यासी वो आत्माएं भी सन्यासी बिल्कुल, उनके भी अनेक प्रकार के ग्रुप हैं। एक तरह के साधु होते हैं क्या? कोई सफेद कपड़े वाले साधु, कोई लाल कपड़े वाले साधु, कोई पीले कपड़े वाले साधु, मुसलमानों में काले कपड़े वाले साधु, कोई नंगे साधु, कोई लंगोटिया साधु, बाती बाती के साधु हैं, कोई दाढ़ी मूछ वाले साधु, कोई गुटमुंडा साधु, कोई दंडी स्वामी साधु, हाथ में डंडा लिए रह रहे, और बाबा शांति धाम में माना माउंट आबू में है, दो रोटी सबको मिल जाता है, स्वर्ग में क्या मिलता है दिल्ली में? वहाँ दो रोटी चाहिए तुमको? स्वर्ग में कुछ इसकी सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली में पूछ रहे स्वर्ग में, दिल्ली में उसकी सबसे बड़ी समस्या है ये। ये उम्र तो बढ़ती जा रही है, है? ज्यादा उम्र हो जाएगी तो बुढ़ापा आ जाता है, बाल सफेद हो जाएंगे, अभी होने शुरू भी हो गए, तो रोटी दाल कौन देगा? बनाएगा तो नहीं। आत्मिक स्थिति जब पक्की बनती है तो देह की याद आती ही नहीं, जब देह की याद ही नहीं आएगी तो देह का भोजन भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देह के भोजन की, देह के इंद्रियों के भोजन की, इंद्रियों के भोग की जरूरत ही उसको पड़ती है जो देहभान में रहता है। आत्माभिमानी होकर के रहेंगे तो श्वास प्रश्वास में ही सारे 5 तत्व समाये हुए हैं। क्या हवा में जल नहीं है? हवा नम होती है, हवा ग्रीष्म होती है, होती है या नहीं? जब हवा में नमी होती है तो उसमें पानी नहीं होता, तो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के द्वारा ही हमको 5 तत्व का भोजन प्राप्त होता रहेगा जितना जरूरत होगी शरीर को। अभी भी जिन दिनों बहुत अच्छी अवस्था रहती हो उन दिनों ध्यान देना कि भूख ज्यादा लगती है कम लगती है, भूख ही कम हो जाती है। सतयुग में ऐसी बात नहीं है, वहाँ शरीर तो होगा, शरीर का सुख भी भोगेंगे। क्या
यहाँ तो ऐसी स्टेज पर पहुँचना है जहाँ शरीर के सुख से परे चले जाएंगे, सिर्फ वाइब्रेशन का सुख भोगेंगे लक्ष्मी नारायण की। यह लक्ष्मी नारायण बनने जैसी बनने वाली जो भी आत्माएं होंगी वो इंद्रियों का सुख भोगेंगी या सिर्फ मन से सुख भोगेंगी, वाइब्रेशन से भोगेंगी, वाइब्रेशन से सुख भोगेंगी या राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म देंगी। बाप का बुलावा होते हैं ना आने के लिए, हाँ वो अंदर अंदर अपने को मालूम पड़ेगा, श्रृंखल आएगा कि भाई छोड़ो ये दुनियादारी, अब तो कोई आसरा नहीं है, संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तो, अब कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं है, वो ही श्रृंखल हो गया। जो नहीं जाते हैं उसका क्या होगा, ये कुछ जो नहीं जाते हैं उनको विश्वास ही नहीं है भगवान के ऊपर, जाएंगे कहाँ से, जिनको विश्वास होगा वो ही जाएंगे, विश्वास हम फलदायकम, जिनका विश्वास ही नहीं है उनका दुनिया में किसी दूसरे के ऊपर विश्वास होगा, टाटा बिरला के ऊपर विश्वास होगा तो किसके पीछे जाएंगे। विश्वास है मगर उपलब्ध न होने के लिए तकलीफ होता है, काहे का तकलीफ होता है, नहीं जाता है क्या, काहे की तकलीफ होता है, तकलीफ क्या दुनिया वाले डॉक्टर मिटा देंगे, मिटा रहे हैं दुनिया वाले डॉक्टर जो है वो तकलीफ मिटा रहे हैं क्या, मिटा रहे हैं तो फिर उनके पास क्यों नहीं जाते, क्षण भंगुर के लिए जाते हैं फिर लौटे आते हैं अपने घर में, उन्हीं के घर में रह जाए 24 घंटे के लिए, सो कोई नहीं रहता ये कुछ है। विश्वास तो पता है, विश्वास तो है पर हम ठीक समय पर उस ट्रेन पर नहीं पहुंच सकते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ऑटो नहीं मिल जाता है या कुछ नहीं हो जाता है, ये ऐसा कुछ रहे बदलाव आता है। जिसको निश्चय होता है उसके हर कार्य सफल हो जाते हैं, निश्चय बुद्धि विजयते हो जाता है, निश्चय नहीं है तो नहीं मिलता, तो विजय किसी बात में नहीं होगी, रिक्शा ढूंढने जाएंगे वो भी उसमें भी हार हो जाएगी। नहीं तो कोई ना कोई आकर हमको लिफ्ट दे, ठोकर लग जाएगी, टांग टूट जाएगी, गिर पड़ेंगे, रिक्शा भी नहीं मिलेगा। हिम्मते बच्चे मजे दे बाप, निगेटिव संकल्प नहीं आते, भगवान पैदा करता है कि भगवान पॉजिटिव संकल्प पैदा कराता है, शैतान का काम है निगेटिव बनाना और भगवान का काम है पॉजिटिव बनाना। महान से महान पापी दुनिया का क्यों न हो, वो भी उनको भी भगवान तारता है, ये नहीं देखता कि ये महान से महान पापी है, उसको भी पॉजिटिव बनाता है, राक्षसों का भी उद्धार करता है। महाभारत में पांडु को रोगी क्यों दिखाते हैं, जिसमें प्रवेश करता होगा वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है या पत्ता है, पत्ता जब निकलता है पहला मजेदार निकलता है, बढ़िया सुंदर देखने में आता है या खराब देखने में आता है, वो तो बीज है, बीज तो जब धरणी में बोया जाता है तो सड़ जाता है या सुंदर दिखाई पड़ता है, है? तो वो तो जिसमें प्रवेश करता है वो दुनिया का सबसे जास्ती पापात्मा होगा कि पुण्यात्मा होगा, है? सबसे बड़ा पापात्मा होगा तो रोगी होगा या नहीं होगा, है? अरे रोगी तो होगा, दुनिया में रोग पैदा होंगे तो उसके बाप में भी रोग जरूर होंगे, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। तो क्या पूछा आपने, क्या पूछा है, हाँ एक बार सबको याद भी तो आ जाए। पांडु को रोगी क्यों, पांडु जो है पांडवों का बाप
उसको रोगी क्यों दिखाया गया है? अब समझ में आ गया किस लिए दिखाया गया है? वो तो बीज रूप आत्मा है, उसको श्राप से मिला। हाँ, कुछ भी मिला, कोई ने श्राप दिया। हाँ, वो कुछ न कुछ, कोई न कोई निमित्त बन जाता है। श्राप से कुछ नहीं होता, वरदान से कुछ नहीं होता, अपने कर्मों से होता है सब कुछ। श्राप तो निमित्त मात्र है। हाँ, उसके माँ को श्राप मिलता है, उसको नहीं पता है। उसकी माँ को श्राप मिलता है, उसको नहीं मिलता। हाँ, लेकिन वो लागू किसके ऊपर हुआ? अम्मा के ऊपर लागू हुआ या उसके बच्चे के ऊपर लागू हुआ? पांडु के ऊपर लागू हुआ श्राप। उसके माँ ने भूल किया, गलती की, बच्चे को क्यों सजा मिलता है? ताकि माँ को ज्यादा दुख हो। बच्चा जब दुखी होता है, परेशान होता है, तो माँ ज्यादा तंग दुखी होती है या बच्चा ज्यादा तंग दुखी होता है? मानसिक पीड़ा ज्यादा किसको होती है? माँ को होती है। और बाबा, प्रजापिता भी पत्ता बनता है क्या? वो बीज बनता है, तो पहले पहले बीज बन गया। जब बीज बन गया तो पत्ता कहाँ गया? वो पत्ते पत्ते में समाया। न हम तेसु ते मय, गीता में एक एक श्लोक आया है, न हम तेसु ते मय, मैं उन पत्तों पत्तों में व्यापक नहीं हूं, लेकिन वो सब पत्ते मेरे में समाए गए। वो तो पत्ता भी है, वो फल भी है, वो फूल भी है, सब कुछ। वृक्ष में तना है, वो भी उसी का रूप है। जड़ें भी उसी का रूप है। वृक्ष का जो भी पार्ट्स हैं, वो सभी उस बीज के ही रूप है। और लास्ट में वो बीज फिर जब वृक्ष पूरा हो जाता है, तो पहला पहला कोई बीज तैयार होता है कि नहीं? जो पहला फल तैयार होता है, पकता है, फल पक जाने के बाद उसके अंदर का बीज भी पक जाता है। तो वृक्ष से पहले पहले डिटैच कौन होता है? हैं? बीज डिटैच हो जाता है। और पार्ट्स पहले डिटैच नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो पहले फल का जो बीज है, वो पहले पहले डिटैच हो जाता है। डिटैच माने क्या? हाँ, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बाकी साहब धोखेबाज है। उद्योग हटाओ। बाबा, दो दिन पहले बॉम्बे के ऊपर आतंकवादी का हमला हुआ। हाँ, वो तो होता ही रहता है, पर बार बार बॉम्बे में ही। बॉम्बे है ही विनाशकारी, वो विनाश करना है, उसको क्यों विनाश होता है? किसका क्यों विनाश होता है? जब स्थूल होगा तो सूक्ष्म में भी अंदर से अंदर कुछ होता होगा कि नहीं होगा? बार बार बॉम्बे में, बार बार पहले बॉम्बे में ही विनाश होना चाहिए। बॉम्बे का जब तक विनाश नहीं हुआ, तब तक दुनिया का विनाश समझो हुआ ही नहीं। है? वो है हर हर बम बम की नगरी। उसका नाम क्या है? बॉम्बे। बॉम्बे नाम किसके ऊपर पड़ा? बम के नाम के ऊपर बम नाम पड़ा, बॉम्बे। तो बम बम कौन है जिसके नाम के साथ बम बम लगाया जाता है? शंकर है, वो शंकर की नगरी है। पर वो विनाशकारी मतलब वो दूसरों को विनाश करते हैं, ये मतलब कौन? बॉम्बे। बॉम्बे तो नगरी का नाम है, मतलब वो हाँ, वो दिखावा करने वालों की नगरी है। वो दूसरों का नष्ट करने वाले है ना, मतलब सारी दुनिया का नष्ट करने वाली है। वो तो नष्ट नहीं होगा, वो पहले नष्ट हो, जो दूसरों को नाश करेगा वो आप खुद नाश होगा कि नहीं होगा बाद में? हाँ, बिल्कुल। दादा,
बम्स में प्रत्यक्ष रूपी बम है ना, प्रत्यक्षता रूपी बम है, जब आठ पॉइंट निकले हैं ये बम नहीं है तो इनसे प्रत्यक्षता नहीं हो रही है बाप की। लोगों की बुद्धि में जो भी ब्रह्मा कुमार हैं, जो कभी ज्ञान सुनते ही नहीं थे, वो अब निकल निकल करके बाहर आ रहे हैं, तो उनको पहचान हो रही है ना। बड़े से बड़ा बम कौन सा है, ये तो छोटी छोटी बम्बियां निकल रही हैं। कोई बड़े से बड़ा बम भी है, बड़े से बड़ा बम है परमात्मा प्रत्यक्षता बम, वो फटेगा तो सब परिवर्तन हो जाएंगे। छोटे से छोटे बम है, छोटा से छोटा बम है आत्मा, 500-700 करोड़ आत्मा है। आत्मिक बम आत्मा है तो नंबर वार है ना, कोई कम शक्तिशाली कोई ज्यादा शक्तिशाली, परमात्मा बम है सबसे ज्यादा शक्तिशाली। एक बात आपने क्लैरिफिकेशन दी है, महारानी जो महारानी और रानियां बनते हैं वो अपने अपने महाराजा और राजा को फॉलो करते हैं, अपने अपने महाराजा और राजा को फॉलो करते हैं। जो महारानियां बनती हैं वो अपने महाराजा को ही फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ तो एक शिव बाबा को फॉलो करना है। तो शिव बाबा महाराजा में नहीं आता है, और शिव बाबा महाराजा में आता है या नहीं आता है, सभी महाराजा तो 108 महाराजा वो पहले बनेंगे कि लास्ट नंबर बनेंगे, नंबर वार बनेंगे, नंबर तो पहले का गायन होता है। बाबा अनंत पद्मनाभ का मंदिर में इतना सोना मिलता है बाबा, केला में। कल उसका जवाब बता दिया, पर सुन लेना, बार 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 वही बातें नहीं पूछना चाहिए। बाबा पुरुषार्थ में चार है, पुरुषार्थ माने चार स्तंभ है ना, ज्ञान योग ध्यान सेवा, चार सब्जेक्ट हैं। ये चार ही चार आश्चर्यों के लिए लागू होता है क्या, पहले नंबर तपना का ही चार आश्चर्यों के लिए लागू होता है क्या, क्या अष्टदेव जो है सब सब्जेक्ट में पास नहीं होंगे फिर? इसका पूछना है कि याद में कौन पहला नंबर लेता है, जो याद में पहला नंबर हो तो सब में ही पहला नंबर ले जाएगा, ज्ञान योग धारणा सेवा चार सब्जेक्ट है ना, उसमें पहला नंबर जो याद में पहला नंबर ले लेगा वो तो सभी सब्जेक्ट में पहला नंबर ले लेगा, ज्ञान में भी पहला नंबर है वो। लेकिन हम ज्ञान तो नारायण का है पहला आश्चर्य है, तो उसमें योग नहीं है, योग भी है तो फिर योग है, तभी तो बताया कि नारायण को याद करना सबसे अच्छा, सबसे अच्छा याद का पुरुषार्थ। लेकिन नारायण है और योग में नारायण है, और दायना में योग में लक्ष्मी देवी है, काशी नगरी योग में काशी नगरी धारणा में है, योग में धर्मराज है, धर्मराज इष्टम दम का, हाँ ठीक है, धारणा में धर्मराज में बौद्ध दम का है क्या, ऐसे चार आश्चर्य है। जो सेवा सबसे जास्ती करे वो सेवा में जास्ती हुआ, तो कौन है सेवा में सबसे जास्ती, जो सेवा जास्ती करता है तो उसको बाप याद भी ज्यादा करते हैं, कौन सा ज्यादा सेवा करता है जिसको बाप जास्ती याद करते हैं, चक्रवर्ती जगदम्बा ज्यादा सेवा करती है, जगदम्बा की छोटे मंदिर बनते हैं, छोटी मूर्ति बनती है, जगदम्बा नहीं बोला, शिव बाबा। कौन शिव बाबा,
रामवादी आत्मा धारणा में ज्यादा तीखी सेवा हाँ सेवा में ज्यादा तीखी फिर सेवा में संपन्नता आई रिजल्ट आया कुछ आई नहीं नहीं आई फिर कैसे कह सकते कि सेवा ज्यादा करता है हाँ तो गंगा जो ज्यादा सेवा करता है उसको प्यार में आके सर पे चढ़ा लेते हैं तो गंगा सन्यास कौन से धर्म की है सन्यास धर्म सन्यास धर्म का पहला पहला धर्म कौन सा है बौद्ध धर्म और प्रजापिता तो हमारे सामने ही होते हैं बच्चों के सामने ठीक है और खाते पीते सोते रहते हैं याद करते देते ही नहीं है, है? है? जो बाबा प्रजापिता की आत्मा जो है हा? वो शरीरदारी जो है हा? वो हमारे सामने ही होते हैं सामने ही होते हैं हमेशा सामने होते हैं क्या बच्चों के कोई ना कोई बच्चों के सामने होते हैं कोई ना कोई बच्चों हाँ कोई ना कोई तो याद करते ही हैं लेकिन याद नहीं करना याद प्रजापिता को नहीं करना चाहिए तो रंग बात हो गई तो याद से याद तो करना है साकार में निराकार को नहीं वो रामवाली आत्मा के लिए बोल रहे हाँ कि रामवाली आत्मा खाते हैं पीते हैं मना सभी, है, सभी कुछ यही चलते हैं लेकिन कभी याद करते हुए नहीं दिखाई देते रामवाली आत्मा याद करते हैं शंकर याद नहीं करता है क्यों पूछ रहे हैं याद करते याद सबसे जास्ती चित्र याद के दिखाए हैं तो चित्र चरित्र की यादगार है ना तो चरित्र याद करने का देखने में आता होगा या नहीं आता होगा भैया याद करने का देखने में आता है हमको देखने नहीं आता है ना बाबा ये याद कोई देखने की चीज है इन आँखों से देखने की चीज है याद अब बताओ हम किसको याद कर रहे हैं बताओ देखा तुमने हम याद कर रहे हैं किसी को पर याद करते वक्त निश्चल होती है आंखें हाँ वो बाबा ने बताया मुरली में कि जो याद में एक्यूरेट होगा उसकी आंखें स्थिरियम हो जाएंगी दृष्टि निश्चित निस्थिर हो जाती है दृष्टि निस्थिर स्थिर हो जाती है माने याद में टिका हुआ है क्योंकि सबसे ज्यादा चंचल कौन सा अंग है आंख है बहुत चंचल है वो आंखें ही अगर निश्चल हो जाएं तो इससे साबित होता है कि याद ठहर गई और इंद्रियां इतनी चंचल नहीं है ऐसा स्टेज सिर्फ हमको जब दृष्टि देता है उस समय ही हम देख सकते हैं दूसरे समय हम नहीं देखा है दृष्टि प्रजापिता देता है क्या नहीं बाबा वो शिव देता है फिर प्रजापिता तो नहीं ना पहले देता है ना बाद में देता है ना अब देता है ना कब देता है ना तब देता है तो राम वाली आत्मा कब याद करती है वो पता ही नहीं लगता कब याद कितना याद करती है कब याद करती है याद तो गुप्त है सबसे ज्यादा गुप्त सब्जेक्ट कौन सा है याद सबसे ज्यादा गुप्त सब्जेक्ट पता ही नहीं लगता कौन ज्यादा याद करता है कौन कम याद करता है चलो 5:30 हो गया ओम शांति कुछ पूछना करना बाबा ये तो पूरी पढ़ाई पढ़ना है ना तो अब तक जो है जितने भी कैसेट्स निकली है उन सब कैसेट्स को सुनना अगर ऐसी बात है तो एडवांस में अभी भी नई नई आत्माएं आ रही है उनको सब कैसेट्स सुनने की टाइम तो कैसे सुन सकते हैं
खाने का टाइम है। हाँ बाबा कहते हैं ना लास्ट में आने वाले, पेट भरने का टाइम है, लास्ट में आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं ना, जा सकते हैं, लास्ट में आते हैं ना पूरा वीसीडी सुन नहीं पाते हैं ना। क्यों नहीं सुन पाते हैं? कैसा बाबा? क्यों? समय नहीं मिलता। दुनिया की पढ़ाई पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा 18-20 साल चाहिए। पूरा वीसीडी सुनना पड़ता है बाबा। तो क्या हुआ, क्या मुसीबत आ गई? पूरा वीसीडी 2000 घंटे की तो हुई है? तो पूरी पढ़ाई माना पूरी सब कैसे सुनना है? क्या बड़ी बात हो गई? हाँ बाबा पूरी पढ़ाई माना पूरा वीसीडी सुनना है। तो सुनने से क्या होता है? सिर्फ धारण भी तो करना है। पूरी पढ़ाई माना स्कूल अब है तो पूरा वीसीडी सुनना है ना बाबा? अरे सुनने से कुछ नहीं होता है, धारण करना है। हाँ और एक एक मुरली 6-6 बार पढ़ेंगे तब बुद्धि में बैठेगी। खाने और सोने के लिए टाइम है। पहले अभी अभी बोला है कि जब तक धम्मा का आयु पूरी हो तब तक नॉलेज देता है। और कौन सी धम्मा के बारे में? धम्मा का 100 साल पूरा होने तक, जब तक धम्मा का आयु पूरी हो तब तक नॉलेज देता है। तब तक नॉलेज देता है। तो मुख्य ब्रह्मा कौन सा है? ब्रह्मा के 100 साल। अरे मुख्य ब्रह्मा, ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। हाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कब से हुई? 76 तक पूरा, 1 साल पूरा। 76 से पहले ब्रह्मा नहीं था? प्रजापिता ब्रह्मा नहीं था? था ना? हाँ तो तब से जोड़ो। कहाँ से बाबा? 76 से जोड़ना है। 76 से पहले प्रजापिता नहीं था? फिर फिर क्या बात हुई? उससे जोड़ो। 76 तक 40। फिर 76 से 2018 तक। अरे 76 से क्यों? 76 से पहले प्रजापिता नहीं था? तब से जोड़ो। 76 से पहले। हाँ 76 से 76 तक 40 इयर्स हुआ ना ब्रह्मा का, 100 साल आई पूरा होना बाबा, पहले 60 साल बाद में 40 इयर्स कुल मिला के 100 इयर्स हो गया ना बाबा। 76 तक 76 का 100 ईयर हुआ। हाँ तो जो जिसका 76 तक 100 ईयर हो गया वो लक्ष्मी नारायण बन भी गया, उसका रिजल्ट भी निकल गया। हाँ बाबा गर्भगृह में रहकर पुरुषार्थ करने वाले ऊंच पर पा सकते हैं बाबा? वो ही तो ज्यादा ऊंच पद रहे, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। ऐसा नहीं बाबा, ऐसा नहीं। गर्भगृह में रहकर अंदर वाले कौन है और बाहर वाले कौन है? जो सरेंडर हैं वो अंदर हैं और जो नॉन सरेंडर हैं गर्भगृह में रहते हैं वो बाहर हैं। तो बाहर वाले ले जावेंगे। बाहर वालों के लिए बाबा लोग आत्मी वन्ना टेड में आसक्त है बाबा। बाबा तो ऊंची ऊंची दृष्टि से देखते हैं और गृहस्थी अपने को गृहस्थ गिरिहस्थी देखते हैं। ऐसे थोड़ा ही होना चाहिए। भगवान ने आके गृहस्थ अर्जुन को ज्ञान दिया
या सन्यासियों को दिया, गृहस्थियों को दिया। और गृहस्थी क्या समझते हैं, हम तो नीचे हैं, हम गृहस्थ में रहते कैसे ऊंच पद पावेंगे। ये नहीं पता रहता है कि गृहस्थ में रहने वालों के लिए कहा कि तुम 8 घंटा सेवा करोगे तो भी वही पद मिलेगा, और सरेंडर हो करके अंदर रह रहे हैं 16 घंटा सेवा करेंगे, दुगनी टाइम देंगे तभी वो पद मिलेगा। उनके लिए दुगनी मेहनत और उनके लिए आधी मेहनत। बाबा गीता में बोला ये ज्ञान अर्जुन पहला सूर्य भगवान को दिया बोल रहा है। गीता में बोला ज्ञान सूर्य को दिया पहला। ज्ञान सूर्य कौन है? जिसको 7 घोड़ों का रथ है वो कौन है? चार किसने घोड़े बताए? 7 घोड़े अष्ट देवों में से 7 तो हो गए घोड़े और एक हो गया ज्ञान सूर्य। उसे ज्ञान सूर्य को पहले दिया और बाबा गंगा ने पहले पत्र प्रधान विद्वांस ज्ञान सुनी थी ना? हाँ जी। फिर कब आएगी? अंत में आएगी, बोल तो दिया मुरली में। आदि में आई थी तो जो आदि में सो अंत में है। कौन से धर्म की है गंगा? तो सन्यासी कब निकलते हैं? अंत में निकलेंगे। उथल पतल माना क्या है बाबा? उथल पतल माना लौटपौट हो जाना, उल्टा पलटा हो जाए, ऊपर का नीचे हो जाए, नीचे का ऊपर हो जाए, अंदर का बाहर आ जाए, बाहर का अंदर चला जाए। बाबा एक माता जी का प्रश्न है बाबा, संतोष में बांदेली माता उनको खाना बनाना पसंद नहीं करते हैं ना, अभी अगर जरूरत पड़े तो कोई युगल जोड़ी उनका तबीयत ठीक नहीं है तो बांदेली माता खाना बना सकते हैं बाबा? उन लोगों को बना के दे सकते हैं? ये माता जी का प्रश्न है बाबा। बांदेली खुद ही अपने घर के लिए बांदेली है, वो छूटो लोगों के लिए क्या खाना बनाएंगे? क्या बाबा छूट जो छूटेले हैं निर्बंधन हैं उनको ज्यादा टाइम मिलता है कि बांधेलियों को ज्यादा टाइम मिलता है? ज्यादा सेवा कौन कर सकते हैं? है? जिनको बंधन नहीं है वो ज्यादा सेवा कर सकेंगे। बांधेली वाले तो बांधे ही हुए हैं, जिनसे बंधे हुए हैं पहले उनकी सेवा करें, उनको संतुष्ट करें। नहीं बाबा युगल जोड़ी उनको अगर फिर बांधेली क्या आएगी? तंदुरुस्त अच्छा नहीं है तो तबीयत ठीक नहीं है तो बांधेली माता खाना बना के दे सकते हैं बाबा? बांधेली माता क्यों दे सकते हैं? जो छोटेले माता है वो क्यों ना दें? बांधेली माता ही क्यों दें? छोटेली माता क्यों ना उनकी सेवा करें? है?
हाँ, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है हो जाएगा तो बंदेली माता उनको काम, जो निर्बंधन जो बंधन वाली माताएं हैं वो तो हैं बांधेली और निर्बंधन माताएं भी हैं। तो जो निर्बंधन माताएं अगर बीमार हो गई तो दूसरी निर्बंधन माताएं नहीं है। मंदिर माता जो है वो सेवा कर सकते हैं बाबा कार्य में जाते हैं। अरे वो पहले अपने घर वालों को तो संतुष्ट करें फिर वही बात, उनको सेवा करनी है तो मनसा सेवा करें। हाँ, क्योंकि मन तो बंधन में नहीं है, तन बंधन में है। तो जो बंधन में है उसको जबरदस्ती छोड़ाने की क्या जरूरत, सहज राजयोग है या जोर जबरदस्ती का योग है। तो सहज सहज चलाओ, परमिशन मिले तो जाओ, परमिशन मिले है तो जाओ, नहीं परमिशन मिले तो नहीं जाओ, सेवा करो घर में, घर वालों को प्रसन्न करो। अरे बंधन पड़ा कब है और बंधन डाला किसने है? भगवान ने बंधन डाल दिया, किसने डाला? तो खुद का जो डाला हुआ चीज है वो खुद उससे उरण हो जाओ ना खुशी खुशी। कर्जा लेते समय बड़ी लव लेत्या लग जाती, कर्जा ले लो घी और खीर खा लो, फिर चुकाते समय प्रसन्न नहीं होना चाहिए, हल्कापन नहीं आना चाहिए है? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो चुकाते समय मुंह लटका लेते हैं, अरे खुशी खुशी चुप तू करो, खुशी में रहेंगे तो ज्यादा याद आएगी, मुंह लटका के रहेंगे तो याद ज्यादा आएगी कम आएगी है? बाबा यमुना के कंटे में पहले कौन जाएंगे, विजय माला के मन के या रुद्रमाला के मन के? एक वार्तालाप में बोला है कि तपस्या करने वाले रुद्रमाला को माउंट आबू में रहना पड़े, विजयमाला ज्यादा पाप नहीं किया है तो यमुना के कंटे में जाएंगे, ज्यादा समय माउंट आबू में नहीं रहेंगे विजयमाला के मन के। तो रुद्रमाला के मन के कब जाएंगे तो यमुना के कंटे पर? एडवांस पार्टी शुरू हुई तो यमुना का कंठा कहाँ था? यूपी में यमुना बहती है, है? पहले यूपी में बहती है कि दिल्ली में बहती है? पहले तो दिल्ली में है। तो एडवांस पार्टी शुरू हुई तो यमुना का पार्ट शुरू हुआ कि नहीं हुआ फिर? ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार के बारे में कमला देवी मम्मा को बोले थे ना, कमला देवी तो साक्षात के बारे में बोले थे ना, तो बीच में मुरली में राधा राधा बच्ची से बोले। शिव बाबा अकेले आते हैं या ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के साथ आते हैं? है तो फिर वो तीसरी मूर्ति विष्णु की भूल क्यों गए? छोटी पहले वो मूर्ति नहीं है, तो
और ओम शांति।